नमस्कार, मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज दोपहर की बड़ी खबरें। 9.5 करोड़ किसानों के लिए गुड न्यूज, अगले हफ्ते जारी होगी 18वीं किस्त, फिर मिलेंगे 2,000 रुपए। क्या पति पत्नी दोनों को हुआ लाभ? आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के करोड़ों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है। केंद्र की मोदी सरकार ने योजना की 18वीं किस्त की फाइनल डेट का ऐलान कर दिया है। 18वीं किस्त 5 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इसके तहत 9.5 करोड़ किसानों खातों में 2,000 रुपये भेजे जाएंगे। इसका लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने EKYC बैंक खाता, आधार से लिंक और भूमि सत्यापन करवा लिया है। दरअसल पीएम किसान योजना केंद्र सरकार की एक बड़ी योजनाओं में से एक है। इसके तहत करोड़ों किसानों को हर 4 महीने में 3 बराबर किस्तों में 2,000 करके सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। ये पैसा डेबिट ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों खातों में भेजा जाता है। ये लाभ उन किसानों को मिलता है जिनके पास 2 एकड़ तक जमीन है। नियमानुसार पहली किस्त अप्रैल, जुलाई, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर, तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच में जारी की जाती है। ऐसे में 18वीं किस्त 5 अक्टूबर को जारी होने जा रही है। क्या पति पत्नी या पिता बेटा दोनों को मिलेगा लाभ? आपको बता दें, पीएम किसान योजना के नियम के मुताबिक इस स्कीम का लाभ परिवार के सिर्फ एक सदस्य को मिलता है। लेकिन अक्सर ये सवाल सामने आते हैं कि क्या पीएम किसान योजना में पति पत्नी या पिता पुत्र या फिर परिवार के एक से ज़्यादा सदस्यों को सम्मान निधि राशि का लाभ मिल सकता है? क्या एक से अधिक सदस्य इसके लाभार्थी हो सकते हैं? तो इसका जवाब है ना, पति पत्नी में से किसी एक को ही स्कीम का लाभ मिलेगा और ये फायदा उसे मिलेगा जिनके नाम कृषि जमीन की रजिस्ट्री है। अगर एक परिवार में एक से अधिक सदस्य स्कीम में आवेदन करते हैं, ऐसे में उनके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। इस कारण एक परिवार में सभी सदस्य इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हैं। अमित शाह की हरियाणा में 5 लाख नौकरियों की गारंटी। आपको बता दें, हरियाणा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने रविवार 29 सितंबर को 3 रैलियां की। गुरुग्राम के बादशाहपुर में से शुरुआत कर उन्होंने महेंद्रगढ़ के नागल चौधरी और करनाल के इंद्री में 2 रैली को खत्म किया। इन रैलियों में अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का विरोध कर रहे हैं। वे चुनाव की हार जीत को रामलला के अपमान से जोड़ रहे हैं। राहुल गांधी अग्निवीर स्कीम को लेकर झूठ फैला रही है। स्कीम सेना के जवान रखने के लिए बनाई गई है। मैं हरियाणा और भारत सरकार की तरफ से गारंटी देता हूं कि हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी दी जाएगी। अमित शाह ने कहा कि किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ाकर 10,000 की जाएगी। हरियाणा में सरकार बनने के बाद यहां की माता बहनों को नरेंद्र मोदी 21 रुपये का चेक भेजेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा की सरकार आते ही 5 लाख नौकरियां दी जाएगी। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि नौकरियों का लेटर डाकिया लेकर आएगा, कोई दलाल या डीलर नहीं है। अमित शाह ने कहा कि ये कांग्रेस विकास कैसे करेगी, एक अनार सो बीमार हो रखा है, तभी तो हुड्डा साहब कहने लगे हैं। लाखों लड़ली बहनों को मिला 1,250 रुपये का फायदा, अगली किस्त का इंतजार। आपको बता दें, महिला को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से MP में शुरू की गई मुख्यमंत्री लड़ली बहना योजना का प्रदेश की लाखों महिला को मिल रहा है। प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शुमार लड़ली बहना MP में ही नहीं बल्कि देश की सबसे चर्चित योजना है। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,250 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। अभी तक महिलाओं को इस योजना के माध्यम से 16 किस्तों का लाभ मिल चुका है। बताते चलें कि इस बार जल्दी लड़ली बहना योजना 17वीं किस्त के पैसे लड़ली बहनों खातों में आने वाले हैं। 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच लड़ली बहना योजना की 17वीं किस्त जारी हो जाएगी। प्रदेश में 3,000 डॉक्टरों सहित होगी 30,000 चिकित्सा कर्मियों की भर्ती। आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में 30,000 स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती शीघ्र ही की जा रही है। इनमें 3,000 डॉक्टर शामिल है। पर्याप्त संख्या में डॉक्टर तथा पैरामेडिकल स्टाफ मिल जाने पर जिला मुख्यालय के अस्पतालों, सामुदायिक तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाएं बेहतर होगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा में प्रदेश के विकास कार्यों पर पत्रकारों से संवाद किया। मध्य प्रदेश मानसून अपडेट, इस साल 18% बारिश ज़्यादा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में इस साल मानसून कोटे से 18% ज़्यादा बारिश हो चुकी है। सामान्य 37.3 इंच के मुकाबले 43.9 इंच पानी गिर चुका है। 10 जिले तो ऐसे हैं जहां बारिश का आंकड़ा 50 इंच के पार हो चुका है। आने वाले दिनों में तेज बारिश के असर कमी है। सोमवार को भोपाल, इंदौर समेत 37 जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। बाकी जिलों में धूप निकलेगी। मौसम विज्ञानी अभिजीत चक्रवर्ती के मुताबिक बारिश कराने वाला सिस्टम अब थम जाएगा। ऐसे में तेज धूप निकलने का अनुमान है। इससे पहले रविवार को इंदौर, भोपाल, उज्जैन, शिवपुरी, रतलाम समेत प्रदेश के 10 जिलों में पानी गिरा। 2020 में पात्रता परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार को दोबारा परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं। आपको बता दें, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा बनने के लिए तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2024 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। हालांकि प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2024 में वे अभ्यर्थी शामिल नहीं होंगे जिन्होंने 2020 में पात्रता परीक्षा पास कर ली है। उन्हें दोबारा 2024 की पात्रता परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। ESB ने स्पष्ट किया है कि पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। ESB की ओर से स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग के लिए संयुक्त रूप से प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है।
पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 से 15 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। आवेदन पत्र में संशोधन 20 अक्टूबर तक कर सकेंगे। प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 10 नवंबर से शुरू होने वाली है। दो पालियों में परीक्षाएं होगी। इस बार शिक्षा के लिए 21 वर्ष आयु सीमा तय की गई है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।